स्वागत हुआ है, ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, उसे मैं अभिभूत हूँ। बहुत पुरानी मांग थी 1950 से सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, और उसे लोगों ने संघर्ष किया और आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। इसवा जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सभी नागरिकों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिले की संख्या बढ़ गई, अब संभाग की भी बात चलेगी। अभी पहले बनने दीजिए, नागर सभा के बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस सरकार जिला बना रही है, भाजपा सत्ता में आने का सपना देख रही है, क्या करना चाहेंगे? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। किसानों को जो मिल रहा है, मजदूरों को जो मिल रहा है, आदिवासियों को जो कुछ भी कांग्रेस की सरकार दे रही, सबको रेवड़ी कह रहे हैं। और अपने उद्योगपति साथियों को जो 10 लाख करोड़ का ऋण माफी दिए हैं, वो रबड़ी है, तो उनको जो दे रहे हैं वो उनको रेवड़ी नहीं आता। आम जनता, गरीब को, मजदूरों को, आदिवासियों को देने से इन लोगों को लगता है कि ये रेवड़ी है। सरकार का कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सर, 6 नए जिले बन गए? प्रशासनिक रूप थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आम आदमी को उसकी सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। क्या बोलते हैं, बड़ी बात कही है कि समर्थन मूल्य और बढ़ेगा लगातार किसानों के लिए। हाँ देखिए, पहले तड़ंगा लगाए जब 25 रुपये दे रहे थे, तो हमने इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हिसाब से, और उसको 9,000 को हमने स्थिर कर दिया है। अब जितना समर्थन मूल्य बढ़ेगा, अब जैसे इस साल 100 रुपये बढ़ा है, इस साल 2540 मिला है, तो अगले साल 2640 होगा धान का, और 150 बढ़ गया समर्थन मूल्य तो 2800 तरफ जाएगा। नहीं, अब हो गया 62 लाख मीट्रिक टन, पिछले साल भी खरीदा, इस साल भी सहमति बन गई। हमने इनपुट सब जैसे केंद्र सरकार देती है, हमने भी उसी प्रकार से दिया। छत्तीसगढ़ को दबाने की, विपक्ष को, छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि विपक्ष को दबाने की लगातार पूरे देश भर में कोशिश हो रही है। सर, ये सारंगढ़ जो है बोगस धान खरीदी और मिलावटी शराब के लिए जाना जाता है। मैं जब भी बोला हूँ आया कि नहीं आया बताइए। झारखंड का चुनाव हुआ, मैंने कहा ईडी आएगी, आया, ईडी आईटी आई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, हुआ, मैंने कहा ईडी आईटी आएंगे, आया। अभी झारखंड के विधायक यहाँ आए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में आईडी ईडी आईटी का फिर से छापा पड़ेगा। बहुत पहले घोषणा कर दिए थे, अस्तित्व भले आ जाए, लेकिन ये सारंगढ़ में सर मिलावटी शराब देखते हैं उसको क्या होता है। ये मिलावटी शराब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।